अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर नंबर 14 पार्ट बी अल्टरनेटिंग ग्रुप, जिसका मैंने जिक्र किया था पिछले पार्ट में। ये पेज 92 पे है। पहले हम देखते हैं ये है क्या। यहाँ पे लिखा हुआ है जो सब ग्रुप ऑफ SN है कंसिस्टिंग ऑफ द इवन परमुटेशंस ऑफ N लेटर्स इज द अल्टरनेटिंग ग्रुप AN ऑन N लेटर्स। दोबारा इसको पढ़ते हैं, ये तो मैंने बस रीड कर दिया है। पहले दिमाग में ले आए जी SN क्या चीज थी, ये आपने पढ़ा हुआ है ना। सिमेट्रिक ग्रुप कह लें, ग्रुप ऑफ परमुटेशन कह लें, उसने N लेटर्स कह दिया, आप N नंबर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी, उसमें जो आपके पास इवन परमुटेशन हैं उनको अलग कर लें, उनका एक अलग से सेट बना लें, वो कहता है कि सब ग्रुप बनता है। SN का ही सब ग्रुप बनता है अंडर द परमुटेशन मल्टीप्लीकेशन, और उसमें सारी की सारी जो परमुटेशन है इवन है। इवन कौन सी होती हैं? वो परमुटेशन जो लिखी जा सकती है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। अच्छा, अब इसको पहले करना है प्रूफ, एक्सेप्ट नहीं करना एज इट इज, इसको करना है प्रूफ। अल्टरनेटिव ग्रुप जो है, बजाय इसके नाम पे जाएं जी क्यों ये वर्ड अल्टरनेटिंग आ गया है, उस पर मैं नहीं जा रहा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये वो ग्रुप है जिसमें परमुटेशन ही हैं, लेकिन सिर्फ इवन परमुटेशन है। अब सब ग्रुप कैसे प्रूफ करना है इसको SN का? वही तरीका जो लेक्चर नंबर 5 में था सब ग्रुप का। भला क्या तरीका था कि दो एलिमेंट्स हम पिक करते हैं सबसेट में से, और फिर हम करते हैं फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स ऑफ सेकंड उसमें चला जाए, जो कि बहुत बार पहले एक्सप्लेन हुआ, बहुत बार पहले यूज हुआ, अब भी यूज होगा। अब हम F और G AN में से लेंगे, और किसी तरह हमने प्रूव करना है कि F टाइम G इनवर्स, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स इनवर्स ऑफ सेकेंड, वो भी आपके पास किस में चला जाए? AN में चला जाए। ये तब जाएगा अगर ये भी इवन परमुटेशन होगी, बस ये दिमाग में रख लें, ये तब जाएगा अगर ये भी इवन परमुटेशन होगी तो, क्योंकि AN में है ही इवन परमुटेशन। इसका लाभ ये जो FG साहब है ना, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट, ओ खैर वैसे मैंने बोल दिया, FG साहब जो है ये दोनों के दोनों इवन है, देन बोथ F एंड G आर इवन परमुटेशन, ठीक है जी। F एंड G आर बोथ इवन परमुटेशन। अच्छा, और यहाँ पे जो आपके पास है लिखा हुआ है सिंस द इनवर्स ऑफ N इवन परमुटेशन इज ऑल्सो एन इवन परमुटेशन, इसलिए देखे मैं पार्ट्स बना रहा हूँ इन लेक्चर्स के। ये पिछले पार्ट में था कि जब इवन परमुटेशन को लिखा जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस, उसका जो इनवर्स होता है वो भी उन्हीं प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस के बराबर होता है, लेकिन इन द रिवर्स ऑर्डर, लेकिन इन द रिवर्स ऑर्डर। तो सीधी सी बात है, अगर रिवर्स ऑर्डर में भी होगा तो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट के बराबर ही होगा ना, तो तभी वो कह रहा है सिंस द इनवर्स ऑफ एन इवन परमुटेशन, वो भी इवन ही होता है, तो इसका मतलब है कि जी इनवर्स भी इवन होगी, जी इनवर्स भी इवन होगी। और ये आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशन वो भी इवन होती है, क्यों? कि जारी बात है कि पहली परमुटेशन को लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस, दूसरे को भी लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस, इवन प्लस इवन, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस कितनी होगी? वो भी इवन ही होगी, इवन प्लस इवन इवन होता है, क्योंकि वो कह रहा है सिंस द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशन इज ऑल्सो इज एन इवन परमुटेशन। तो जब एफ भी इवन है, जी इनवर्स भी इवन है, तो इनका प्रोडक्ट भी इवन है, और जब इनका प्रोडक्ट इवन परमुटेशन है तो इसका मतलब फिर ये निकलता है कि एफ जी इनवर्स ए एन को बिलोंग कर गया। यहां से प्रूफ कंप्लीट हो गया। देखें, ये कोर्स ऐसा है कि एब्स्ट्रैक्ट जरूर है, लेकिन इसमें लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो ये बातों बातों भी प्रूफ होते हैं और लॉजिकल होते हैं, ऐसे ही बिला वजह नहीं होते। हाँ, एक चीज यहां मैं पहले ही बता दूं, दिमाग में ऑड परमुटेशंस का भी आ रहा होगा। देखिए, ऑड परमुटेशंस का जो आपके पास सेट है वो ग्रुप नहीं बनता या सब ग्रुप नहीं बनता। पहली बात, उसके अंदर क्या होता है? आइडेंटिटी परमुटेशन नहीं होती, आइडेंटिटी परमुटेशन नहीं होती। यहां पे देखें, जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहां पे हमने जनरल तौर पर बता दिया कि दो इवन परमुटेशन लें और फर्स्ट परमुटेशन टाइम्स द इनवर्स ऑफ सेकंड परमुटेशन, वो भी उसी में जाएगी क्योंकि ये प्रॉड भी इवन है। दूसरा, दो ऑड परमुटेशंस को मल्टीप्लाई करें, ध्यान से सुने, बेशक बार बार सुन लिया करें, दो ऑड परमुटेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करें। पहली परमुटेशन होगी प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस, दूसरी परमुटेशन होगी प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस, लेकिन ऑड प्लस ऑड इवन होता है, ऑड प्लस ऑड इवन होता है। जैसे 2k+1, 2m+1, इनको ऐड करें तो आ जाएगा 2k+2m+2, 2 ओवरऑल कॉमन आता है। या सिंपली आप देख लें, एक 3 ले लें, 5 ले लें, 3+5 8। इवन परमुटेशन का जो आपके पास होता है इनवर्स, वो इवन होता है, ऑड परमुटेशन का इनवर्स भी ऑड होता है। अब आप कहेंगे सर ये इनवर्स कहाँ से आ गया, आइडेंटिटी उसमें है नहीं। देखिए, आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें नहीं है, ऑड परमुटेशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन दो ऑड परमुटेशन को मल्टीप्लाई करें तो इवन होती है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ, एसोसिएटिव तो ऑटोमेटिकली होता है, आइडेंटिटी उसमें है नहीं। इनवर्स जो है ऑड परमुटेशन का ऑड ही होता है, क्योंकि इनवर्स जो होता है आपके पास उन्हीं ही ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट होता है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में होता है।
तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि अगर आपके पास सेट ऑफ ऑड परम्यूटेशंस है तो उसमें आपके पास एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, इनवर्स होल्ड करता है, आइडेंटिटी और बाइनरी ऑपरेशन होल्ड नहीं करते, इसलिए वो सब ग्रुप नहीं बनता, लेकिन इवन परम्यूटेशंस वाला सब ग्रुप बन जाता है। अब आगे चलते लें जी, ट्राई द फॉलोइंग, और ये आपने ट्राई करना है। वो कहता है राइट ऑल इवन एंड ऑल परम्यूटेशंस इन S3, ये तो क्लियर होना चाहिए, इसमें तो मसला नहीं होना चाहिए। S3 में आपको पता है 6 परम्यूटेशंस हैं, सॉरी 3 फैक्टोरियल, 3 × 2 = 6, और उन 6 में से कितनी इवन है कितनी ऑड है ये बतानी है। वैसे ये मैं आपको बता दूं, आधी इवन होती है आधी ऑड होती है, ये क्लियर होगा अभी, आधी इवन होती है आधी ऑड होती है। फर्दर वो कहता है प्रूव दैट A3 इज अ ग्रुप अंडर परम्यूटेशन मल्टीप्लीकेशन, ये ताकि आपका जो अभी थ्योरम किया ना वो भी जरा क्लियर हो जाए, जो अभी आपने प्रूव किया है कि AN जो है वो अल्टरनेटिंग ग्रुप है वो भी जरा क्लियर हो जाएगा। पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जी आइडेंटिटी परम्यूटेशन, ये तो इवन है, इसका जिक्र खैर यहाँ पे नहीं है, इसकी डिटेल मैंने पहले बता दी थी, ये 2 ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है, 1:2:1:2 कर लें, कोई और 2 एजेस ही ले लें उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये तो इवन हो गया। अब यहाँ पे हम ये करते हैं, इस 3 को उठा के यहाँ पे ले जाते हैं, ये आ जाएगा 3:1:2। ये मैंने सिर्फ एक टेक्निक बताई है, 6 की 6 तो लिखने हैं, हमें चेक करनी है, सिर्फ ये टेक्निक बताई है, 3 को उठा के यहाँ पे ले जाएं 3:1:2। अब इसको ब्रेक कर दें कि ये साइकिल तो नहीं है, आ जा अज बैच साइकिल ते 1 गया, फिर 3 ते 3 गया, फिर 2 ते 2 गया, वापस 1, हाँ जी साइकिल ही है, क्योंकि 1:3 पे मैप हो रहा है, 3:2 पे मैप हो रहा है, 2:1 पे मैप हो रहा है, 1:3:2। अब इसको ब्रेक करें, यहाँ पे 1 जो आपके पास है ये फिक्स हो जाएगा, फिर ये जो लास्ट वाला है यहाँ पर है, सेकंड वाला जो आपके पास यहाँ पर आ रहा है या सेकंड लास्ट वाला उसके बाद आ रहा है, कितनी हो गई 2। देखें अब ये नहीं यहाँ पे बताया हुआ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ जाता है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस पिछले लेक्चर्स में पूरे हुए हैं। तो ये आ गए आपके पास इवन परम्यूटेशन, क्योंकि ये 2 ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट के बराबर है। अब ये करें 2 को उठा के यहाँ पे ले जाएं, तो आ जाएगा 2:3:1। ये भी देखें कि साइकिल है, क्योंकि 1:2 पे जा रहा है, 2:3 पे जा रहा है, 3 वापस 1 पे आ रहा है, 1:2 पे, 2:3 पे, 3 वापस 1 पे। अब इसको ब्रेक करें, यहाँ पे 1 को पकड़ के फिक्स कर दें, लास्ट वाला यहाँ पर आएगा, ये वाला इधर आएगा, ठीक हो गया जी। और वैसे नजर आ जाना चाहिए ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, क्योंकि देख लें ये इन 2 ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट के बराबर है, ये इन दोनों ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट के बराबर है, हैं यही 2 लेकिन रिवर्स ऑर्डर में है। तो ये भी F2 भी इवन हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 ट्रांसपोजिशंस आ रही हैं, F1 भी इवन हो गया, 2 ट्रांसपोजिशंस आ रही हैं, आइडेंटिटी तो इवन था, ये 3 आ गई जी इवन। लें जी अब जाते हैं जी F3 पे, ठीक है जी। F3 में अब हमने ये किया हुआ है कि ये जो है ना 1 और 2 इनको इंटरचेंज किया, ये 2:1, ये सिर्फ लिखने का तरीका बता रहा हूँ, बनती वो आपके पास 6 ही है। पहले मैंने कहा था 3 को यहाँ पे ले जाएं, ये आ गया, अब मैंने कहा था यहाँ पे 2 को यहाँ पे ले जाएं, अब आप कहेंगे जी 1 को क्यों नहीं ले जाते, कोई 1 को ले जाएंगे मुड़ के इधर ही पहुंच जाएंगे, अब कोई और तरीका ढूंढा है कि कोई नई बन जाए इन तीनों में से ना हो, तो इन दोनों को मैंने कहा था इंटरचेंज करें, आ गया 2:1:3, 1 = 2, 2 = 1, 1:2 और 3 = 3 है, ये एक ही आपके पास ट्रांसपोजिशन आ रही है, एक ही आपके पास साइकिल ऑफ लेंथ 2 आ रहा है, एक ही ट्रांसपोजिशन है एंड 1 इज ऑड, F3 हो गया ऑड। देखा ना F3 कितना अच्छा बच्चा है, बिल्कुल इसको गुस्सा नहीं आ रहा, किसी को कहे ना तू बड़ा ऑड लग रहा है, ओ गुस्सा आएगा तो बताओ बताओ। बहरहाल आगे चलते हैं, लो जी F4 साहब आए हैं, उनका भी मैंने यही किया है कि यहां पे देख लें, इधर था 3:1, इसको इंटरचेंज कर लें, ये 3 और 1 को था तो 1:3 कर लें, ये 1:3, ठीक हो गया जी 1:3 कर लें। अब ये 1:3 है, 1 तो फिक्स है, 2 = 3, 3 = 2, ये आ गया, ये फिर एक ही है, F4 ऑड हो गया। अब ये करेंगे कि जी इन दोनों को इंटरचेंज कर लें, ये हो जाएगा जी 3:2:1, 3:2:1, इन दोनों को 3 को इधर 2 को इधर 3:2:1, तो ये आ गया जी 1 = 3, 3 = 1, ये भी एक ही है, ये ऑड है। तो ये 3 बनती हैं जी ऑड परम्यूटेशंस, ये 3 बनती हैं जी इवन परम्यूटेशंस, ठीक है। अच्छा अगर दिमाग में आ रहा है कि सर इन दोनों को इंटरचेंज क्यों नहीं किया, भाई आप इन दोनों को कर लो, नाराज नहीं होना, इसको 3:2:1 करोगे ना आप तो 3:2:1 यही बनती है। अब मेन चीज़ ये है कि ये आपके पास 6 आ गई, कोई और निकालेंगे तो इन्हीं में से आएगी, अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं ये 2:1:3 बनती है, इन दोनों से मुराद 3 और 1 को इंटरचेंज करते हैं तो 2:1:3 बनेगी, तो 2:1:3 यही बनती है। तो बहरहाल ये 6 हैं, ये 3 ऑड हैं, ये 3 जो आपके पास है ये इवन है। अब आपने प्रूव करना है कि A3 इज अ ग्रुप अंडर परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन। देखें जब कोर्स शुरू हुआ था तब तो हमें कुछ भी नहीं पता था, हाँ जी सारे प्रॉपर्टीज करनी है, अब बेस्ट होता है कि टेबल बना लिया करें, टेबल बना लिया करें, वो इजी है, इसलिए कि ध्यान से सुने हर क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, ये ऑलरेडी कंटेंट है S3 में, S3 आपको पता है पहले ही ग्रुप है, ठीक है जी। तो एसोसिएटिव लॉ तो आउट हो जाता है ना, टेबल जो ग्रुप टेबल होता है उसमें से एसोसिएटिव लॉ का इशू होता है वो पता नहीं चलता, बाकी तो सब पता लग जाते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन, इनवर्स, आइडेंटिटी सब पता लग जाता है। आइए चलते हैं, प्रूव करते हैं कि A3 भी ग्रुप है, यानी कि सब ग्रुप है S3 का।
ये लें जी, ये आपने खुद चेक करना है, ये आपने खुद चेक करना है। अच्छा अब मैं तो आगे आ गया हूँ, आप ऐसा करें आप तो पीछे जा सकते हैं ना, मैं नहीं जा सकता, एरर हो जाता है। आप पीछे जाके F1 की F2 की आइडेंटिटी तो आपको पता ही है, F1 F2 की वैल्यूज को ना नोट कर लें। F1 कौन सी परमुटेशन थी, F2 कौन सी परमुटेशन थी, आइडेंटिटी कौन सी थी, यहाँ पे लिखें I F1 F2, यहाँ लिखें I F1 F2। ये टेबल डायरेक्ट बना हुआ है, ठीक है जी, यहाँ पे वैल्यूज दी हुई हैं, आप इनको चेक करें सही है कि नहीं। अब एक और चीज़ सुन लें, अब टाइम बचाने वाली चीज़ें भी करें, अब कोर्स स्टार्ट ही हुआ, बहुत आगे चला गया है। आइडेंटिटी के साथ तो जारी बात है, किसी एलिमेंट को हिट करें तो आपके पास वही चीज़ वापस आती है। आइडेंटिटी के साथ करेंगे आइडेंटिटी आएगी, F1 के साथ करेंगे तो F1 आएगा, F2 के साथ तो F2। तो ये टाइम बचाएं, इनको निकालने की जरूरत नहीं है कि इसको पहले इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आपको परमुटेशन मल्टीप्लीकेशन भी आनी चाहिए, आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी भी आनी चाहिए। अब इधर आइए, तो आई को आई से करेंगे तो आई, F1 को आई से करेंगे तो F1, F2 को आई से करेंगे तो F2। ये चार निकाल लें, ये देखें कितना शॉर्ट हो गया, 9 एंट्रीज थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन चार को निकाल लें। अब ये देखते हैं अगर इन चार का मसला है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बेशक यहाँ पे लेक्चर को पॉज कर लें और ये टेबल कंप्लीट करके देखें ये सही बना हुआ है कि नहीं, ठीक है जी, आपका यही आता है कि नहीं। हाँ जब पॉज करने से हट जाएं, ये कंफर्म हो जाए कि यही टेबल है, फिर यहाँ से स्टार्ट करें कि दिस टेबल शोज दैट बाइनरी ऑपरेशन होल्ड्स। क्यों? क्योंकि ये 9 एंट्रीज जो आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इन्हीं तीनों में से आ रही है, बाहर से आ रही तो बाइनरी ऑपरेशन तो हो गया, ये इन्हीं तीनों में से आ रही है, बाहर से कोई चौथी नहीं आ रही, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट्स एग्जिस्ट वो ये वाला, क्योंकि उसके साथ हिट करने से ये आ रहा है, मैंने तो कहा था वैसे ही कर दें, लेकिन आपको पता है व्हाट इज आइडेंटिटी परमुटेशन। अब रह गया मसला जी इनवर्स का, वो भी उसने कहा इनवर्स एग्जिस्ट कैसे, क्योंकि जब आपने F1 को F2 से हिट किया तो आइडेंटिटी आया, F2 को F1 से हिट किया तो आइडेंटिटी, तो F1 F2 एक दूसरे के इनवर्स है। और इसके अलावा यहां पर देखें कि S3 में 6 एलिमेंट्स थे, ठीक है जी, लेकिन इसमें 3 है, 1 2 3 अल्टरनेटिंग ग्रुप में, यहाँ पे देख लें A3 अल्टरनेटिंग ग्रुप है, और यहाँ पे देख लें और ये 3 एलिमेंट्स का है, A3 इज अ ग्रुप, एंड यहाँ पे देख लें ये जो चीज़ है आपके पास ऑर्डर उसका है 3, जो कि 3 factorial over 2 है। यहाँ पे लिखा हुआ है एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स, क्योंकि वो ट्रू है फॉर एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ S3। वही मैं कह रहा हूँ कि एसोसिएटिव लॉ का नहीं पता लगता टेबल से, बाकी चीज़ें पता लग जाती हैं। हाँ अब अगर ये चार चीज़ें निकालने में मसला हो रहा है तो डॉक्टर वासिक हाजिर। लो जी, वो कहता जी रिकॉल फ्रॉम लेक्चर 10, देखें ना पिछला अगर आपको समझ आया तो उनका मसला नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। लेक्चर 10 से रिकॉर्ड करें कि यहाँ पे देख लें F1 into F2 क्या आइडेंटिटी आता है, देखें F1 यहाँ पे F2 है आइडेंटिटी, फिर देख लें F1 F2 आइडेंटिटी, F1 F2 मैंने कहा था नोट कर लें, ये लें यहाँ पे आ गए हैं, ये 1 2 3 है, ये 3 1 2 था, ये F1 था, F2 आपके पास 2 3 1 था। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऊपर 1 2 3, 1 goes to 2 2 goes to 1 1 goes to 1, टू गोज टू थ्री, थ्री गोज टू टू, टू गोज टू टू, ठक, थ्री गोज टू वन, वन गोज टू थ्री, थ्री गोज टू थ्री, ठक ठक। लो जी डंटी आ गई, तो ये लें जी, इसको तो कंफर्म कर दिया, ये कंफर्म हो गया, ये ऑटोमेटिकली क्योंकि इनवर्सेस कम्यूट करते हैं, ठीक है जी, ये वाला करने की जरूरत नहीं है, ये तो हो गया। और कौन सा जो मिस हुआ था, लो जी आइडेंटिटी इधर जा रही है, ये F2 साहब, ये F2 जो है ना F1 स्टार F1 कर लें, या ये जो आपके पास है जिसको कहते हैं जी परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन वो किया हुआ है, तो F1 लिखा हुआ है, F1 क्या था, ये 3 1 2, वही 3 1 2 यहाँ पे, वही 3 1 2 यहाँ पे, मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 1 goes to 3, 3 goes to 2, ठक, खैर ठक नहीं है, 2 है, 2 goes to 1, 1 goes to 3, ये 3, 3 goes to 2, 2 goes to 1, ये लें जी, ठीक हो गया, यही F2 है, यही F2 है, यहां से भी देख सकते हैं, यही F2 है, यही F2 है, यही F2 है, यही F2 है, कहेंगे सर क्या शुरू हो गए, चलो आगे चलते हैं। लो जी इसको भी चेक किया हुआ है, ये भी चेक किया हुआ है कि F2 स्टार F2 जो आपके पास है, या F2 को F2 से करें तो F2 ये वाला था ना 2 3 1, लें जी 2 3 1 2 3 1, तो F1 आता है, कर लें चेक, 1 2 3, 1 goes to 2, 2 goes to 3, ये 3, ये 2 goes to 3, 3 goes to 1, 1 ये, 3 goes to 1, 1 goes to 2, 2 ये, तो बात बन गई, लें टेबल भी मैंने चेक कर दिया, ठीक हो गया जी।
हाँ, अब ये चीज नोट करें कि इन जनरल तौर पे ये जो ए एन साहब होते हैं ना, इनका जो ऑर्डर होता है एन फैक्टोरियल ओवर टू होता है। वही मैंने आपको कहा था, आधी परमुटेशन इवन होती हैं, आधी ऑड होती हैं। तो क्योंकि एस एन का आपके पास जो है ऑर्डर एन फैक्टोरियल है, तो ए एन का ऑर्डर होगा एन फैक्टोरियल ओवर टू। चले आगे चलते हैं जी। कौन है? मैं ही हूं। मुझे तो आप जानते ही है ना, तो मेरी तो समझ आई गई होगी आपको मैं कैसा हूं, किस किस्म का इंसान हूं। चलें जी, इस किस्म का हूं क्योंकि मैं कहता हूँ एनी क्वेश्चंस तो पूछ लें, जब आप पूछते हैं तो उससे पहले मैं थैंक्स कर देता हूँ। खैर आगे चलते हैं। गुड बाय। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 15 में। अल्लाह हाफिज़।